हेलो अबेस्ट, और क्या हाल चाल। तो यार, फिश कीपिंग हॉबी ना बड़ी प्यारी सी हॉबी है, बट ना इसमें एक चीज़ बहुत ही बेकार लगती है, जब आप किसी बहुत ही मन से एक फिश लाए हो और वो मर जाए, या आपने बहुत ही सालों से कोई फिश पाली हुई है और एकदम सडनली उसको कुछ हो जाए और वो मर जाए, तो यार बड़ा हेल्पलेस सा फील होता है कि यार क्यों नहीं बचा पाए। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि हमको पता नहीं चलता कि यार क्या हो क्या रहा है फिश को, पाए तो इतना टाइम तो ढूंढने में लग जाता है कि क्या रहा यार, इसको बीमारी है क्या, और बीमारी का पता चलता है तो फिर उसको डाले क्या। तो यार अगर मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी मेडिसिन है जो 99% तक सारे के सारे, यू कैन से एवरी डिसीज़, ट्रीट करती है फिश के अंदर, एंड इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है, और मेन बात यह है कि इससे फिश को शॉक नहीं मिलता, मतलब एकदम। कई मेडिसिन ऐसी होती है, कॉपर बेस्ड भी आती है काफ़ी, जिनसे डालती फिश को एकदम से शॉक मिलता है, कई बार डेथ होनी भी नहीं होती तो मेडिसिन से हो जाती है, बट इस मेडिसिन में ऐसा नहीं होगा। तो यार देखते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है, इसके क्या यूज़ हैं और इसको कैसे बनाते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, अब बात कर लेते हैं कि आपके एक्वेरियम के पानी पे इस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ये आपके एक्वेरियम का पीएच डाउन कर देगी, सेकंड कि ये आपके पानी से हैवी मेटल्स को भी निकाल देगी, थर्ड पॉइंट ये सॉफ्ट एंड एसिडिक वाटर प्रोवाइड करेगी आपके एक्वेरियम के लिए, फोर्थ पॉइंट ये एक तरीके का नेचुरल हैबिटेट यू कैन से, क्योंकि जहाँ एक मतलब पॉन्ड्स में मछलियाँ होती हैं वगैरह, तो उधर कोई हम जाके एंटी क्लोरीन या मेडिसिन नहीं डालते, तो वहाँ नेचर अपना काम करता है, तो हम भी एक तरीके से नेचर को रेप्लिकेट करेंगे और वैसी ही दवाई बना रहे हैं जो यू कैन से बिल्कुल नेचुरल वे से बनी है एंड बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करती है आपकी फ़िश के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट, ये स्ट्रेस रिड्यूस करती है आपकी फ़िश में, जैसे आपने कोई नई फ़िश ऐड करी है तो आप इसको तब डाल सकते हैं, तो इससे तब ये होगा कि आपकी फ़िश स्ट्रेस नहीं होगी। ज़्यादातर फ़िश जब हम लाते हैं, आपने साइकिल भी कर लिया पानी को, सब कुछ कर लिया, स्टिल मर जाती है क्योंकि स्ट्रेस हो जाती है फ़िश, तो दिस कैन ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ फ़िश। एंड सिक्स्थ पॉइंट, दिस कैन इन्हेंस कलर ऑफ़ फ़िश, आप अगर रेगुलरली डालेंगे, वीकली डालेंगे, तो ये फ़िश का कलर भी इन्हेंस करेगी मेडिसिन। एंड सेवेंथ पॉइंट, दिस प्रमोट्स ब्रीडिंग, अगर आप एक ब्रीडर हैं या चाहते हैं आपके एक्वेरियम में ब्रीडिंग हो, तो दिस मेडिसिन कैन हेल्प यू। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन कौन कौन सी डिसीजेस में हेल्प करेगी फिश को फाइट करने में। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है एंटी पैरासिटिक, मतलब ये राउंड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, फ्लूक्स, जितने भी तरीके के पैरासाइट्स होते हैं इनसे फाइट करेगी। एंड सेकंड आपका आ गया एंटी बैक्टीरियल, तो ये ऑल द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं सबसे फाइट करेगी। थर्ड आपका आ जाता है एंटी फंगल, तो ये जितने भी फंगल इन्फेक्शंस फिश में होते हैं, यू कैन से ऊपर आपने देखा होगा रुई जैसा कुछ आ जाता है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, रॉट होने लग जाते हैं, तो ये फंगस, एंटी फंगल भी काम करती है और फंगस से भी फाइट करेगी। तो गाइज, ये मेडिसिन फिश के कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगी, तो मतलब जैसे आपके फिश पूप नहीं कर रही है या वाइट पूप कर रही है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि दिस हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉपसी। ड्रॉपसी क्या होता है, जब फिश का पेट स्वेल हो जाता है और यू कैन से कांटे कांटे से मतलब स्केल्स बाहर आने लग जाते हैं, तो ये मेडिसिन उसमें भी फिश की हेल्प करती है। ये मेडिसिन आपकी फ़िश को स्विम ब्लैडर डिसीज़ में भी हेल्प करेगी, ज़्यादातर स्विम ब्लैडर गोल्ड फिश में होता है, गोल्ड फिश यू कैन से, जब आप गोल्ड फिश को फ्लेक वाला फूड देते हो, फ्लेक्स, तो वो उनके अंदर ऑक्सीजन जो उनका स्विम ब्लैडर होता है उसके अंदर एयर भर जाती है, तो उसकी वजह से फ़िश टेढ़ा तैरती है या बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती है, तो ज़्यादातर उसमें फ़िश की डेथ हो जाती है अगर ट्रीटमेंट ना की जाए, बट ये मेडिसिन अगर आप डालोगे तो इससे 100% उसका क्योर हो सकता है। एंड नेक्स्ट आ गया हमारा एंटी वायरसेस, तो फिश में भी वायरसेस होते हैं, बहुत कम होते हैं, पहचानना भी मुश्किल होता है, वायरसेस जनरली अंदर से आते हैं फिश के, जब आप देख रहे हो कि सब कुछ सही है बाहर से, बट इंटरनली फ़िश का कलर चेंज हो रहा है, ब्लड दिख रहा है आपको उसके बाहर स्केल्स पे, तो इंटरनल वायरसेस होते हैं, एंड इन लॉन्ग टाइम दिस मेडिसिन
कैन ऑल्सो क्योर वायरसेस, वायरसेस से भी ये लड़ सकती हैं लॉन्ग टाइम पे। एंड एक लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये फ़िश की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे दोगे तो आपके फ़िश पे कोई बीमारी लगने का चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब यू कैन हैव अ हेल्दी फिश एट योर होम और फ़िश की लाइफ आप काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हो इस मेडिसिन के साथ। तो अब देखते हैं कि इस मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है एंड लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इस मेडिसिन को बनाने के लिए हमको चाहिए होंगी सिर्फ तीन चीज़ें। पहली चीज़ है इप्सम सॉल्ट 1 टेबल स्पून एंड सेकेंड हमारा आ गया गार्लिक 4 to 5 पीसेस एंड थर्ड हमारा आ गया आलमंड लीव्स 3 से 4 लीव्स। सो सबसे पहले हम लीव्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक कुछ इस तरीके का यू कैन से पाउडर ना फॉर्म हो जाए। देन उसके बाद गार्लिक को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। एट लास्ट हम एक पैन गरम करेंगे हाई फ्लेम पे। इस पैन में अब हम 800 ml ऑफ वाटर डालेंगे। अब इसमें जो गार्लिक हमने चॉप करा था उसे डालेंगे। अब 1 टेबल स्पून इप्सम सॉल्ट और अब इसको बॉईल करेंगे अच्छे से। देन उसके बाद हम डालेंगे आलमंड लीव्स का जो हमने पाउडर बनाया था। अब इसको हम 3 बार अच्छे से बॉईल होने देंगे जिससे आलमंड लीव्स अपना सारा कलर छोड़ दे और अपनी सारी प्रॉपर्टीज छोड़ दे पानी में। जैसे ही 3 बार बॉईल आ जाए उसके बाद हम फ्लेम को क्लोज कर देंगे और इसको 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद अब हम इसको एक बार फिर से अच्छे से बॉईल कर लेंगे। एट लास्ट अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे एंड एक बॉटल में भर लेंगे जिससे हम इसको बार बार यूज़ कर सकें। आपकी मेडिसिन अच्छे से तैयार है, अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर चाहे तो किसी कूल एंड ड्राई प्लेस पे भी। देने की डायरेक्शंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 1 ml per 10 liter ऑफ वाटर, हर 10 लीटर में आपको 1 ml डालना पड़ेगा। अब जैसे मेरा एक्वेरियम 40 लीटर्स का है तो मैंने 4 ml डाला है इसमें।
आप ऐसे ही, जैसे अब मेरे पास एक बड़ा एक्वेरियम है जिसकी टोटल कैपेसिटी 400 लीटर्स है, तो उस पर मैंने 40 ml डाला। इसे आप चाहें तो वीकली एक बार डाल सकते हैं, या जब भी पानी चेंज करें आप तब डाल सकते हैं। मैं तो जब पानी चेंज करता हूँ तभी डालता हूँ। मेरे से बहुत लोग पूछते थे कि सर आपकी फ़िश बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं और मेरी शार्क्स को तो मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं, तो इतने टाइम से कैसे संभाली हुए आपने। तो बस मैं यही कहूँगा यार, मैं आर्टिफिशियल मेडिसिन कम यूज़ करता हूँ और नेचुरल ज़्यादा। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करें और फ़िश की लाइफ बढ़ाएँ। और अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेडिसिन आपको। और कोई भी अगर आपको और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, अब बारी आ जाती है एक बोनस टिप की। जो आपकी आलमंड लीव्स बच गई हैं आप उसे फेंकना मत, आप उन्हें एज अ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो।